डियर स्टूडेंट्स देखो सर, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द बेस। नेक्स्ट टॉपिक इज द बेस। बेस गिव द हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द हाइड्रोक्साइड आयन। हम हाइड्रोक्साइड आयन को कैसे देखेंगे, जिसमें OH नेगेटिव आयन फॉर्म होता है ना, उसे हम कहते हैं बेटा बेस। क्या कहते हैं? बेस। लिसन, बेस जो एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं इसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज नॉट द AQ। AQ का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? Anyone tell me the what is my AQ? जब भी कभी नीचे लिखा आता है AQ, aqueous, what is my? Aqueous. वो solution, उसके अंदर पानी होता है जिसे हम aqueous कहते हैं। क्या कहते हैं? Having a present the water, in a given solution, it is known as the aqueous. Okay. Now second thing, that time ना sodium hydroxide ये base है, और जब base को हम पानी में dissolve करते हैं तो Na positive sodium अलग होता है जो metal है, पॉजिटिव चार्ज देता है, और OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप है जो नेगेटिव चार्ज देता है व्हेन दैट टाइम इट डिसॉल्व इन बेटा वाटर। अब इसके अंदर हमें जो बेस देखना है ना, द बेस को रिपीट करना है। ओके, नाउ NaOH नाउ इट इज द वॉशिंग सोप, इट इज द वॉशिंग सोप। और इसको हम क्या कहते हैं, जो सोप बनाते हैं ना नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? NaOH। अगर आपके पास में साइंस लैब में NaOH हो तो आप धोने की जो साबुन होती है, वॉशिंग साबुन जो होती है, सोप होती है, उसे बना सकते हैं, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोप या NaOH हम सुनने लगते कॉस्टिक सोडा। यू डोंट बी कंफ्यूज, अगर किसी ने बोला कॉस्टिक सोडा, वेरी सिंपल, वॉशिंग सोडा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द NaOH। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, के फॉर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सोप कहते हैं, साबुन कहते हैं, या शैम्पू कहते हैं, और दूसरी भाषा में से क्या कहते हैं? पोटैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके, यू अंडरस्टैंडिंग बेटा, द मीनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन मेरा, वेरी इंपॉर्टेंट। के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो नोन एज द लाइम व्हाइट वॉशिंग एंड द इट इज द लाइम वाटर, जिसके हम कहते हैं चूने का पानी। क्या कहते हैं? ओके, नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द लाइम वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग एंड द लाइम। हम जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, उसके बैक साइड में हम व्हाइट कलर का चूना मारते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर बेटा एसिडिटी मेडिसिन। हम एसिडिटी मेडिसिन बनाने के लिए, और जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं, बदल होता है। सर, व्हाट इज बाय द मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, व्हाट इज बाय द मिल्क ऑफ मैग्नीशियम? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आल्सो नोन एज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट इज यूज बेटा फॉर एसिडिटी मेडिसिन, यानी मेडिसिन बनाने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। नाउ बेस मैंने कितने लिखा, रिपीट करना है अपने, मैं इस पर फिंगर रखूंगा, आपने इसका नाम पोजिशन लाइन। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 1, 2, 3, 4, 5 आर द बेटा बेस। कितने बेस है? और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटा और डेली लाइफ, ध्यान में रखना है, ये हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूज क्या होता है, मैं सिंपल बताता हूँ। देखो, इसका जो टेस्ट होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी बिटर होती है, एसिड की क्या होती है? सोअर होती है। तो बेस की जो टेस्ट होती क्या होती है? बिटर इन टेस्ट। नाउ जैसे आप देखो, आपकी मम्मी कपड़े धोते होंगे तो जो बकेट के अंदर पानी होता है, वो पानी बेटा क्या होता है हमारा सर्फ का होता है, तो वो स्लीपरी लगता है, स्लीपरी। तो बेस जो होता है ना, स्लीपरी होता है। क्या होता है? स्लीपरी। ओके, मुझे बताओ, हम सोप जब शरीर पे लगाते हैं, हाथ पे लगाते हैं, या मुंह पे लगाते हैं, फेस पे, तो आपको स्लीपरी लगता है ना? स्लीपरी लगता है। तो बेस आर द स्लीपरी। OH आयन फॉर्म, जिसका एसिड में पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है, आयन फॉर्म होता है OH, एंड मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, अब ऑक्साइड कैसा बनता है, जैसा मान लो आप दिवाली के दिन मैग्नीशियम की रिबॉन जलाते हो, जिसको क्या कहते तुम, है ना, सुरसुरी। हाँ, तो जब भी आप मैग्नीशियम रिबॉन को हवा में जलाते हो, उसका जो पाउडर मिलता है, पाउडर पता है, व्हाइट कलर का, वो पाउडर होता है।
any metal that time you burn in the presence of the oxygen and form the white ash, it is known as metal oxide. It is known as the metal oxide. You understanding? Yes. Now next point neutralization. आप देखो बेटा एसिड हो गया, बेस हो गया, लास्ट टॉपिक ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? ना एसिडिक ना बेसिक. देखो ना एसिड प्लस बेस, मान लो जब आपको एसिडिटी होती है तो आप क्या पीते हो घर पे लाके? इनो क्या है? बेस. जीरा क्या है? बेस. आप टूथपेस्ट यूज करते क्या है? बेस. अगर मुंगियों ने एंट ने आपको बाइट किए, काटे, तो आपको अंदर इचिंग हो रही है या आग हो रही है उसके अंदर, सोयल हो गया, तो आपने क्या करना है? टूथपेस्ट लेना है, उसको लगा लो. मुंगी के अंदर एसिड होता है, जब वो आपको बाइट करती है तो एसिड छोड़ती है. जैसे आप बेस लगाते हैं तो न्यूट्रल, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, इट इज अदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब भी आपके पेट में एसिडिटी होती है, देखो हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. स्टमक, हमारे पेट के ऊपर स्टमक जो होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और एक्सेस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर जो एसिड बढ़ जाता है हमारे पेट में तो एसिडिटी हो जाती है. तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम जीरा पीते हैं, सोडा पीते हैं, उसके अपने बेटा हम एनो पीते हैं. समझ आया? तो ये बेटा HCl और NaOH, एसिड और बेस जब हम एक साथ में करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, क्या मिलता है? पानी मिलता है. इसीलिए बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वी आर यूज इन योर डेली लाइफ, दैट टाइम बेटा इंक्रीज द एसिडिटी इन योर स्टमक, वी आर टेक द जीरा एनो. ओके, नाउ इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द, यू डोंट बी बेटा इट द लाइक, फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक लाइक बेटा एसिडिक सोल्यूशन. अपने एसिडिक सोल्यूशन को पीना नहीं है. एसिडिटी जब भी होती है आपको तो अपने बेस लेना है. क्या लेना है? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस टॉपिक. यस और नो? यस. थैंक यू बेटा.